हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के थ्रू हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपने मैथ्स क्लास 10th का पहला टॉपिक, या आप बोल सकते हैं पहला चैप्टर, दैट इज कॉल्ड रियल नंबर। स्टूडेंट, मैं आपको डायरेक्ट बुक से पढ़ाऊंगा, मैं कोई आपको नोट्स वगैरह से नहीं पढ़ाऊंगा ये मैथ्स, मैं आपको सीधा बुक से पढ़ाऊंगा। तो आपको जो जो टॉपिक अपनी कॉपी में लिखने हैं तो आप लोग यहीं से लिख लेंगे अपनी वीडियो को पुश करके, या आपको कोई भी नोट चाहिए इसके रिगार्डिंग तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे को। तो मैं आपको इस वीडियो को देखने के बाद, जब आप देख लेंगे तो आप मुझे अपनी क्वेरीज बताएंगे, और अपनी क्वेरीज के थ्रू आप बता देंगे कि आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो मैं आपको व्हाट्सएप भी कर दूंगा। तो इसी वीडियो के स्टार्टिंग में आपको एक व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, तो आप उस पर अपनी क्वेरीज भेजते रहेंगे मुझे, ताकि मैं आपकी क्वेरीज सॉल्व कर पाऊँ टाइम टू टाइम, राइट। और इस वीडियो को औरों को भी भेजिएगा ताकि और भी अच्छे से पढ़ पाएँ और सब तक के कॉन्सेप्ट पहुँच पाए हमारे, राइट स्टूडेंट। चलिए बहुत जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, दैट इज द रियल नंबर्स। तो सभी लोग असेंबल हो गए होंगे आई थिंक, क्लास 10th के आ गए हैं सब लोग क्लास 10th। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है आपका रियल नंबर्स। व्हाट रियल नंबर्स कौन से होते हैं स्टूडेंट, मैं आपको सिंपल डेफिनेशन में बता दूं कि सारे नंबर्स आपके रियल नंबर्स होते हैं, चाहे आपके इंटीजर्स हों, चाहे आपके नेचुरल नंबर हों, चाहे आपके होल नंबर्स हों, जिनका स्क्वायर एक नॉन नेगेटिव नंबर आता है, जिनका स्क्वायर एक नॉन नेगेटिव नंबर आता है, वो आपके एक रियल नंबर कहलाए जाते हैं, ठीक है। जैसे आपको दिखाई दे रहा है एक नेचुरल नंबर आपका 12 माइनस 3 इंटीजर 7 अपॉन 3 रेशनल नंबर, 1 अपॉन 4 रेशनल नंबर, 22 अपॉन 7 रेशनल नंबर, ये सब आपके कैसे नंबर हैं स्टूडेंट, रियल नंबर हैं, ठीक है। क्लास 10th स्टूडेंट, इंटीजर्स, इंटीजर्स कौन से होते हैं जो आपके नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, और आपका जीरो भी, तो ये सब किसके इंक्लूड होते हैं अंदर, इंटीजर के अंदर। उसके बाद आपका आता है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं जो आपके 1 से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर कौन से होते हैं, होल नंबर सारे नेचुरल नंबर होते हैं, पर उसके साथ क्या भी जुड़ जाता है, जीरो भी जुड़ जाता है। तो सारे नेचुरल नंबर आपके होल नंबर होते हैं, पर सारे होल नंबर आपके नेचुरल नंबर नहीं होते एक्सेप्ट जीरो, राइट। इवन नंबर कौन से होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं, वो आपके इवन नंबर कहलाए जाते हैं। तो जीरो भी आपका एक इवन नंबर होता है, क्योंकि वो 2 से डिवाइड होकर जीरो आ जाता है। तो अगर आपसे कोई कहे कि सिंपल टर्म में आप इवन नंबर लिख के दिखा दो, तो आप क्या लिखेंगे, 2n। n का मतलब क्या होता है, कोई भी नंबर 1, 2, 3, 4, 0, तो जो भी नंबर लिख के जाएंगे 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो यानी कि इवन नंबर है, राइट। ऑड नंबर आपको पता ही है, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते वो आपके एक ऑड नंबर होते हैं। इनका जो ऑर्डर होता है, या तो 2n+1 या 2n-1। अगर कोई आपसे कहे कि ऑड नंबर लिख के दिखा दो, तो आप लिख के दिखा देना 2n-1 या 2n+1, जहाँ पे n कोई भी नंबर होगा, आप करके देखें 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, तो ये वाले नंबर आएंगे, ये आपके ऑड नंबर होते हैं, 2 से डिविजिबल नहीं होते। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, या तो 1 या फिर अपना नंबर बोला जाता है, जो अपने नंबर से डिविजिबल होते हैं वो नंबर आपके प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। आपको पता ही है प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ये सब आपके प्राइम नंबर्स होते हैं। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, दो नंबर जिनका HCF 1 होता है, यानी कि जिनका एक ही कॉमन फैक्टर होता है, डेट इज़ 1, वो आपके को प्राइम नंबर होते हैं, जो एक दूसरे के टेबल में ना आ रहे हों वो आपके को प्राइम नंबर होते हैं। जैसे आपको एग्जांपल दिखाई दे रहा है 2, 3, 7 और 11, इनके बीच में कॉमन नंबर क्या होता है, सिर्फ 1 बस। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं जो दूसरे के टेबल में आते हैं, तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर आपका 4th होता है। आप कहेंगे 1, तो स्टूडेंट 1 ना कंपोजिट होता है ना आपका प्राइम होता है, तो 1 को किसी कैटेगरी में नहीं रखेंगे, 1 ना आपका कंपोजिट होता ना प्राइम होता, तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर आपका 4 होता है, और सबसे छोटा प्राइम नंबर आपका क्या होता है स्टूडेंट, 2 होता है। HCF, दैट इज हाइएस्ट कॉमन फैक्टर, अपनी कॉपी में लिख लेंगे, हम HCF निकालना सीखेंगे दो मेथड से। तो HCF की फुल फॉर्म क्या होती है, आपके हाइएस्ट कॉमन फैक्टर। LCM, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हम लोग दो नंबर का या तीन नंबर का LCM निकालना भी सीखेंगे, तो ये भी आप लोग डेफिनेशन के लिख लीजिएगा, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल और हाइएस्ट कॉमन फैक्टर की। इसके बाद आपको LCM और HCF में रिलेशन निकालने के लिए आएगी क्वेश्चन में, तो क्या रिलेशन होती है, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू ए इंटू बी, HCF इंटू LCM इक्वल टू ए इंटू बी, ये आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बहुत इंपॉर्टेंट है, एज इट इज़ अपने कॉपी में लिख लेंगे, इस साल के पेपर में आई थी एक नंबर में, आप लोग भी लिखेंगे कि
कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेस देन बी। आप लोगों ने पढ़ी होगी पिछली क्लास में, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, यही सेम फॉर्म है। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे ए डिविडेंड होता है, बी डिवाइजर, क्यू क्वेश्चन और आर रिमाइंडर होता है, और जो रिमाइंडर होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, लेस देन बी होगा। एज इट इज कॉपी में लिख लेंगे, पेपर में आनी है। उसके बाद हमें कुछ नहीं पढ़ना, उसके बाद हमें पढ़ना सीधा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। एज इट इज़ अपनी कॉपी में लिख लेंगे, जो स्टेटमेंट दे रखी है ऊपर वाली, पेपर में शुरुआती पेपर में लिखने के लिए आती है, बोर्ड में इसके क्वेश्चंस आते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का मतलब है आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टर्स आपको निकालने आते होंगे एलसीएम में, बचपन में आपने सीखे होंगे सेवन्थ एट्थ क्लास में, नहीं तो हम यहाँ पर आपको सिखाएंगे टेंथ में। कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का मतलब होता है एवरी कंपोजिट नंबर एक्सेप्ट वन, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ प्राइम नंबर्स, कि हर कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है। उसके बाद आपको कुछ चीज़ें याद रखनी होंगी, जो आपको नीचे सेकेंड पॉइंट दिखाई दे रहा है उसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है बहुत ज़्यादा, क्या कि अगर आपको पहचानना है कि कोई भी नंबर रेशनल है या इरेशनल, नंबर दे रखा होगा आपको, अब आपको टेस्ट करना है कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या टेस्ट करना है आपको, कि वो नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो कैसे टेस्ट कर पाएंगे हम लोग ऐसे टेस्ट कर पाएंगे, उसके डिनोमिनेटर, पहली बार डिनोमिनेटर क्या होता है, जो नीचे लिखा होता है वो डिनोमिनेटर होता है, जो ऊपर लिखा होता है वो न्यूमरेटर होता है, राइट। तो जो नीचे टर्म होती है डिनोमिनेटर, अगर हम उसके फैक्टर करेंगे, अगर एलसीएम करेंगे उसका, अगर वो 2 के ऑर्डर के या सिर्फ 5 के, यानी 2 के मल्टीप्लाई में आए या 5 के मल्टीप्लाई में आए या दोनों के मल्टीप्लाई में आए, ठीक है, तो वो नंबर टर्मिनेटिंग हो जाएगा। बिना काटे आप बता सकते हो कि नंबर टर्मिनेट हो जाएगा, कट जाएगा। और अगर उसके अलावा कोई अदर फैक्टर आता है, 3 आता है, 7 आता है, ठीक है, 11 आता है, तो नंबर कैसा बन जाएगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग बन जाएगा। कैसा नंबर बन जाएगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग बन जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो मैं आपको एक बार वो बता देता हूँ किस किस के ऊपर क्वेश्चन आएगा। आपको प्राइम नंबर याद रखने हैं, आपको कंपोजिट नंबर याद रखने हैं, आपको एचसीएफ एलसीएम याद रखना है, आपको उसके रिलेटेड रिलेशन याद रखनी है, आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम याद रखनी है, फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक याद रखनी है, और आपको ये याद रखना है कि अगर कोई नंबर टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बताना है तो आपको डिनोमिनेटर के फैक्टर करने होंगे, और डिनोमिनेटर के फैक्टर अगर 2 और 5 के आते हैं तो नंबर आपका टर्मिनेटिंग होता है, अदरवाइज नंबर आपका नॉन टर्मिनेटिंग होता है। तो स्टूडेंट ये थ्योरी आप लोग यहीं पर कवर कर लीजिएगा अपनी आज ही, राइट। एक एल्गोरिथम और लेमा की डेफिनेशन और छूट गई है ऊपर, ये आपको रिमार्क में एल्गोरिथम और लेमा की डेफिनेशन और लिख के दिखा रखी है, इसे भी आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। एल्गोरिथम का मतलब होता है सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर हम लोग लगाते हैं उसे एल्गोरिथम बोलते हैं। और लेमा क्या होता है, एक प्रूवन स्टेटमेंट होती है, यानी कोई भी एक स्टेटमेंट जो सही है और जो दूसरे को प्रूव करने के लिए काम करती है उसे बोलते हैं हम लेमा। तो स्टूडेंट इस वीडियो के थ्रू आपको जो भी जानकारी मिली है पहले चैप्टर के बारे में, आप लोग उसे यहीं से कवर कर लेंगे, इसे पूरा पढ़ लेंगे, क्योंकि अगली वीडियो में आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। पहले हम लोग एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे, उसके बाद अपने एडिशनल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो इस थ्योरी को आप इसी वीडियो के थ्रू कवर कर लीजिएगा, राइट। और प्राइम मोटो आपका यही रहेगा कि इस वीडियो के थ्रू ही कंप्लीट कर लीजिएगा, राइट। स्टूडेंट जल्दी से जल्दी कंप्लीट करिए, औरों को भी पढ़ाइए, खुद भी पढ़िए। कीप इट अप, ऑल द बेस्ट।